बॉस, आपने बुलाया मुझे? क्या है ये? बॉस, ये वही पेपर्स हैं जो आपने मेरे को रेडी करने के लिए बोले थे। ऐसे रेडी करने बोला था मैंने तुमको? ऐसे? पता है तुम्हारी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आई एम सॉरी बॉस, लेकिन रात भर मैंने ऑफिस में बैठ के इसको प्रिपेयर किया। मैंने तुमको ऐसे रेडी करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है? और ये दो मास दिन भर यहाँ बैठ के रेडी करो या घर जाके रेडी करो, लेकिन आज मुझे पेपर कंप्लीट चाहिए। बॉस, आपने मेरे लीव्स अप्रूव किए हुए हैं बॉस। मुझे कुछ नहीं मालूम। आई नीड दिस वर्क डन टुडे ओनली। गॉट इट? गेट आउट। सपना देख रहा था क्या यार? ये बॉस साला कब प्रमोशन करेगा मेरे को, कब छुट्टियां देगा, कब फिर से ऑफिस, फिर से वही सब चीजें। Thank you so much. So how are you? I'm good, sir. I'm also good. In fact, I'm doing very good today. Anyways, Richa Sharma. Yes, sir. Nice name. You have done MBA, huh? MBA kya tumne? Yes, sir. Oh wow. तुम्हारा रिज्यूमे दिखाता है कि तुमने काफी ब्रांड्स के साथ में काम किया है और लास्ट प्रोजेक्ट तुमने एडवर्टाइजमेंट पे किया है। हाँ सर। इंटरेस्टिंग फील्ड ना? जी सर। सर एक्चुअली मुझे एडवर्टाइजमेंट में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज की है और मुझे आगे इसी में बढ़ना है, इसीलिए मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था सर। वाओ। इनफैक्ट मेरा भी यही प्लान था कि मैं तुमको एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में डालूंगा। आई होप दैट मेक्स यू हैप्पी। क्या जानती हैं आप इस जॉब के बारे में और इस कंपनी के बारे में? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैंने इस कंपनी के बारे में काफ़ी सुना है। आपके न्यूज़पेपर्स में काफ़ी एड्स आते रहते हैं और आपकी कंपनी के बारे में आए दिन पेपर में छपता ही रहता है सर, तो मेरी शुरू से ही ये इच्छा थी कि मैं इस कंपनी में काम करूँ सर, इसलिए मैंने अप्लाई किया। दैट्स ग्रेट। सो मैं तुमको बता दूँ कि हमारी कंपनी में जो एक बार काम कर लेता है उसका करियर एकदम सॉर्टेड हो जाता है, बिकॉज एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट हम टॉप 10 में आते हैं। तो रिचा कुछ बताओ, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारी हमसे? क्योंकि मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयर के एक एम्प्लॉय से और एक एम्प्लॉय के एक एम्प्लॉयर से या एक बॉस से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। सर काम करने के लिए ओवरटाइम तो करना ही पड़ता है सर, और अब काम ज़्यादा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ओवरटाइम करने के लिए। बात सिर्फ ओवरटाइम की नहीं है रिचा, यू नो कॉर्पोरेट में आगे बढ़ने के लिए गिव एंड टेक करना पड़ता है, बॉस को खुश रखना पड़ता है, यू नो मेरा मतलब है ये कॉर्पोरेट है, यहाँ पे गिव एंड टेक चलता है। देखो 9 to 5, 9 to 6 जॉब तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की, ग्रोथ वो तभी होती है जब कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, यू नो। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, तो मुझे देखो, मेरा कहने का मतलब यह है रिचा कि तुम समझ नहीं रही हो रिचा। देखो मेरा मतलब है कि कोई भी मीटिंग्स में या क्लाइंट मीटिंग्स में जब हमको ओवर टाइम करना पड़ता है या शिफ्ट एक्सटेंशंस करने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी भी कॉफ़ी हाउस में या किसी भी होटल में जाके काम करें। सॉरी सर, मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी, किसी और चीज के लिए नहीं, और आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, मुझे ये जॉब चाहिए ही नहीं। शर्मा कहाँ पर है इसी वक्त? अरे ऑफिस में, और कहाँ? यस सर। मोहित शर्मा। यस। ये जो कैंडिडेट अभी आई थी किस वेंडर से है? सर ये सीआर कंसल्टेंट। आज की आज चेंज कर उसको। हुआ क्या सर, क्यों चेंज करना है? तुझे चेंज करूं मैं? डू एज आई से, गेट आउट। ओके सर।
मोहित सुनो ना, कल दीक्षा की बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ। सारी की सारी ड्रेसेस पुरानी हो गई हैं, सब पहनी हुई हैं। बेबी एक बर्थडे पार्टी के लिए तुम नई ड्रेस लेने की बात कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ तुमको बहुत अच्छी ड्रेस दिला दूंगा, ठीक है? पर मोहित मैंने ड्रेस ऑर्डर कर दी है ऑनलाइन। वाह, जब तुमने ड्रेस ऑर्डर कर ही दी है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? अच्छा पैसे जो चाहिए होंगे अब तुमको, उसका प्राइस भी बताई दो कितने की है। सिर्फ 7,000 की तो बात है मोहित। सिर्फ 7,000? नताशा तुमको मालूम है ना कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है मेरी जॉब को लेके, मेरे बॉस के साथ, वो मेरा प्रमोशन नहीं कर रहा है और तुम बोल रही हो सिर्फ 7,000? मोहित पिछले एक साल से मैं यही बात सुन रही हूँ, सबको प्रमोशन मिलता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलता? नताशा मैं नहीं जानता मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मोहित मुझे नहीं पता, सिर्फ एक ड्रेस की बात है ना। बात ड्रेस की नहीं है नताशा, प्लीज थोड़ा चीजों को समझो। मुझे नहीं पता, कल 7,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। पिछले एक साल से कुछ भी लेके देने को बोलो तो यही बोलता है कि प्रमोशन नहीं मिल रहा। थक गई हूं मैं अब इससे। हेलो। हाँ भाई, हाँ हाँ वेंडर अरेंज कर दूंगा मैं। अरे कांटेक्ट है ना अपना, तो टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ तो पार्टी को भेज। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तेरा? मत पूछ यार, ये दिवाकर है ना, हाँ? इसने मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा है। क्यों यार, सीआर के थ्रू जितने भी एम्प्लॉई आते हैं सबको निकाल के फेंक देता है। अरे तो प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा फिर तू? हर कभी मैं कहाँ से लेके आऊंगा यार, कहाँ से लेके आऊंगा? भाई मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस कंपनी से जॉब छोड़ना है। अबे तू जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, और सोच तेरी ईएमआई भी है। हाँ यार, ईएमआई कैसे भरूंगा मैं, पॉइंट। तू एक काम कर, तू अपने बॉस को ना घर पे बुला खाने के लिए, और वहाँ पे इम्प्रेस कर लेना, अपनी वाइफ से बोलना अच्छा अच्छा कुछ बना के रख। है ना, करता हूँ ऐसा। हाँ यही कर तू, ठीक है? और टेंशन मत ले, ठीक है? चल। हाँ भाई, नताशा सुनो, कल मैंने अपने बॉस को डिनर पर बुलाया है, तुम बहुत अच्छा खाना बना के रेडी रख, ठीक है? मोहित क्या जरूरत है घर पे बुलाने की, बाहर भी तो खाना खिला सकते हो ना तुम उन्हें। नताशा तुम्हारे कितने क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, वो मेरा बॉस है, यू नो वेरी वेल ना कि मेरे और बॉस के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अपने घर पे इन्वाइट करूँ ताकि हम लोग के रिलेशन कुछ अच्छे हो पाए। ठीक है बना दूंगी, इतने सालों से वही तो कर रही हूँ ना जो तुम बोल रहे हो। यार नताशा इतना नाराज क्यों होती हो तुम? पता नहीं कब इन सब से जान छूटेगी मेरी। सुबह सुबह ही मेरा मूड ऑफ कर दिया तुमने ऑफिस जाते टाइम यार। बाय। भाई वाह मोहित, मजा आ गया, क्या खाना खिलाया तुमने आज, दिल खुश हो गया। सर अब नताशा के हाथों में जादू ही कुछ ऐसा है कि कोई भी इसके हाथ का एक बार खाना खा लेते ना वो बार बार खाता है, मतलब गॉड गिफ्ट ही मान लो आप। भाई वाह नताशा, मजा आ गया, इतना लजीज खाना खा के तो मन करता है कि आपके हाथ छूं। एंड आई मस्ट से यू आर सो प्रिटी। थैंक यू सर, आपका जब मन करे आप यहाँ आ सकते हैं। या श्योर श्योर, बिल्कुल, इट इज माय प्लेजर। मोहित यू आर सच अ लकी गाय दैट यू हैव। थैंक यू सो मच सर। मोहित तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, और बहुत टाइम से मैं इनको कह रही थी कि आपको बुलाए, एंड फाइनली आज आप आए गए। प्लीज ऐसे बार बार आते रहिएगा। सर बिल्कुल, आप इसको हमेशा अपना घर समझिए, और जब मन हो आपका जब आइए, नताशा आपको हमेशा अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी। इसने जो प्रॉमिस किया है आता रहूंगा। राइट ठीक है भाई, तो मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच अगेन। वाह।
बॉस थैंक यू सो मच बॉस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई हैव नो वर्ड्स टू से, मेरी जिंदगी भर की मेहनत आपने अमर कर दी है मुझे प्रोजेक्ट देके बैंगलोर वाला। मोहित प्रोजेक्ट तो तेरा है लेकिन डील अभी अधूरी है। समझ, 3 साल, सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ उम्र में तेरे से, लेकिन इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में एक ओहदा है मेरा, राइट? कीमत बहुत छोटी है, नताशा, सिर्फ एक रात। नताशा के साथ बोल। बॉस ये क्या बात कर रहे हो आप? मोहित जिंदगी में जब कहीं पहुंचना होता है ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहां ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं मैं। इस करियर में ग्रो करने के लिए मैंने न जाने कितनी ही नताशाएं कुर्बान कर दी हैं। फैसला तेरा है, एक तरफ ये तरक्की, प्रमोशन, अच्छा करियर, और एक तरफ वही घिसी पिटी सी नौकरी। फैसला तेरा है, सोच समझ ले। सौदा बुरा नहीं है दोस्त। बॉस ये सब मैं नहीं कर सकता। मैं अभी भी तेरे जवाब को अधूरा समझ रहा हूं। सोच ले, अगर इस कंपनी में रहना है तो बॉस का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा मोहित। चल ठीक है, मेरी कॉल है अभी, तू निकल। जिंदगी में जब कहीं पहुंचना होता है ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस करियर में ग्रो करने के लिए मैंने न जाने कितनी ही नताशाएं कुर्बान कर दी। एक तरफ ये तरक्की, प्रमोशन, अच्छा करियर, और एक तरफ वही किसी पिटी सी नौकरी। अगर इस कंपनी में रहना है तो बॉस का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा मोहित। पिछले 1 साल से कुछ भी लेके देने को बोलो तो यही बोलता है कि प्रमोशन नहीं मिल रहा। थक गई हूं मैं अब इससे। लो मोहित पानी पी लो। क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या मोहित? साला हरामी अपने आप को समझता क्या है? छोड़ दूंगा साले के यहाँ जॉब, कोई जॉब वॉब नहीं करनी मुझे। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और क्या हुआ है? तो मेरा हरामी बॉस है ना दिवाकर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दिवाकर? पर वो तो बहुत स्वीट है। स्वीट है? पता है हुआ क्या? आज उसने मुझे अपने कैबिन पे बुलाया। कैबिन में बुला के आज उसने मुझे एक बैंगलोर का प्रोजेक्ट दिया और मुझे बोला कि मैं उसका हेड हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है,
इस काम के लिए पता है उसने मुझसे क्या बोला? क्या? इस काम के बदले में वो तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता है। क्या ऐसा बोला देवाक? हाँ नताशा, ऐसा बोला। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं बोला मैंने, बस मुझे वो कंपनी छोड़ना है और मैं कल ही के कल रिजाइन दे रहा हूँ। मोहित सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है ना तुम कितनी मुश्किल से इस पोजीशन पे पहुंचे हो, ऐसे जॉब छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। मोहित बोलो। मोहित बोलो। मोहित मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बोलो। मोहित पिछले 10 साल से तुम्हें जॉब कर रहे हो, उसी पोस्ट बैठ के पड़े हो, तुम्हारी सैलरी से तो घर का खर्चा तक नहीं चल पा रहा है। यार तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम दिवाकर की शर्त मान लो। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम कुछ पैसों के लिए उस दिवाकर के साथ सोना चाहती हो? मोहित तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम पैसों के लिए इतनी लालची और इस हद तक गिर जाओगी ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहित मैंने सिर्फ शर्त मानने की बात करी है, ये नहीं कहा कि मैं उनके साथ सोऊंगी। तुम्हारा इंटेंशन तो साफ साफ यही है ना? मोहित तुम्हें ट्रस्ट है ना मुझ पे? एक बार ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ट्रस्ट करता हूँ। बस अब कोई चिंता नहीं है मुझे, अब तुम्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उस दिवाकर को उसकी औकात भी पता चल जाएगी। बस तुम डिनर पे बुलाओ उसे। That's my pleasure, guys. मैं मोहित को बोल ही रही थी कि आपको फिर से बुलाए। And I'm very excited to meet you again. Wow, guys. You guys are wonderful to be with. क्या कंपनी? I'm loving it. Well, क्या बात है, इससे अच्छी शाम नहीं हो सकती। सर आप दोबारा यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने नताशा को बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरे मोहित सर के लिए पुरानी वाली वाइन लेके आओ ना, देखो ना खत्म होने वाली है। ओह शिट यार, मैं तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, आप लोग बैठ के एंजॉय करो, मैं लेके आता हूँ। ओके मोहित आराम से, तब तक हम लोग बैठ के बातें करते हैं। वेल नताशा, एक बात करूं, इसी पल का तो मुझे इंतजार था। एक बात बताओ, क्या तुम इस लूजर के साथ खुश हो? ये क्या खुश रखता हूं, क्योंकि तुम जैसी लड़की की जगह वो जैसी दिन का मुझे कब से इंतजार था। ये दिन आएगा ये तो पता था, लेकिन इतना जल्दी आएगा इसका अंदाजा नहीं था।
ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगा तुम मोहित की मजबूरी का फायदा उठाओगे और हम सब ये चुपचाप सहन करते जाएंगे? क्या क्या बकवास कर रही हो? बकवास? रुको अभी बताती हूँ। ये क्या है? ये देख अपनी करतूतें। ये क्या है? तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया? डिलीट करो, अभी डिलीट करो इसे। बिल्कुल नहीं देवाकर, तुझे क्या लगा हाँ? तू मोहित की मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी इज्जत लूटेगा और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, तू एक घटिया इंसान है और ये बात मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन अब मैं तेरा असली चेहरा ना सबको दिखाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बीवी भी इसमें बराबर से इन्वॉल्व है और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इसकी बराबर बदनामी होगी। मेरी बदनामी? तेरे जैसे आदमी का चेहरा लाने के लिए मैं बदनामी भी सहन कर लूंगी, समझा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या चाहते हो तुम? चाहते क्या? ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं, ये जो वीडियो है ना ये तेरी वाइफ को सेंड करूंगा मैं। नहीं मोहित, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसके बाद ना पूरे ऑफिस पर व्हाट्सएप करके वायरल करूंगा। मोहित तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, क्या चाहते हो? मैं दूंगा, जो बोलो मैं दूंगा। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ बेंगलोर वाला प्रोजेक्ट। दिया दिया। और हाँ, साथ में प्रमोशन भी। इतना ही नहीं, बेंगलोर में गाड़ी और घर तैयार रहना चाहिए हमारे लिए, वरना मेरी बात सुनो, बेंगलोर का प्रोजेक्ट, गाड़ी, बंगला सब कुछ दूंगा, लेकिन प्लीज देखो पहले ये वीडियो डिलीट करो, अभी के वीडियो डिलीट करो। दिवाकर सर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं आप पर भरोसा करके वीडियो डिलीट कर दूं। जब तक आप मेरा काम करके नहीं दोगे ना, तब तक ये वीडियो मेरे पास रहेगा और ट्रस्ट मी, ये वीडियो मैं कहीं भी लीक नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। देखो हां मोहित, भरोसे की बात, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुम पर बात करता हूं। वाह यार नताशा, यार तूने तो कमाल कर दिया। वाह यार नताशा, क्या मजा चकाया तूने इस दिवाकर को यार, और साथ में ना मेरा प्रमोशन भी हो गया। मैंने कहा था ना मोहित, कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी तुम्हारा। थैंक यू सो मच, आई लव यू।